भीषण गर्मी के चलते स्कूली बच्चों को ई रिक्शा द्वारा ज्यादा भर कर ले जाने के संबंध में एसीपी कर्नलगंज ने चुन्नीगंज में चालान किया और इसके अलावा ऑटो, बस स्टॉप, ई रिक्शा, मारुति वैन, ऑटो गाड़ियों पर भी निगाह रख कर उनकी सारी चेकिंग की और उन्होंने बताया कि चेकिंग का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा ताकि बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुँच सकें और आने जाने में इनको कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। साथ ही अभिभावकों से भी अपील की है कि अपने बच्चों का ध्यान दें और सुरक्षित हाथों में भेजा करें या जरूर जानकारी प्राप्त कर लें कि जो वाहन को चला रहा है किसी नशे में तो नहीं है या किसी और प्रकार से किसी रोग से पीड़ित तो नहीं है। अगर ऐसा है तो अपने बच्चे को सुरक्षित ले आएं और ले जाएं या सुरक्षित हाथों में ही बच्चे को भेजें। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL। ये बताइए कितने बच्चे हैं? ये पंचर हो गई थी गाड़ी, मैंने जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, पंचर हो गई। ये बच्चे आपके परिवार के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हाँ, ये बच्चे कोई बाहर गए हमारे, ये गलत बात है। मैं आपकी गाड़ी का चालान कर रहा हूँ, नंबर भी नहीं है तो आ गए। इन बच्चों को सुरक्षित लेके जाइए और इनको घर छोड़िए, ठीक ना? आइंदा से, कल से अगर इससे ज़्यादा बच्चे मिल गए तो आपकी गाड़ी को सीज कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा ना कि मैं गाड़ी को सीज कर दूंगा फिर, ठीक ना? क्योंकि बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं भेज रहा हूँ, ले जाइए आप इनको।